नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। 14 जून को जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी, काफ़ी चीज़ें निकल के सामने आई कि कैसे एक बड़े टॉप के एक्टर की मृत्यु हो जाती है और संदिग्ध हालत में होती है, जिसको ये सुसाइड बताते हैं 10 मिनट के अंदर ही। और भारत जहाँ पे बोलता है कि सुसाइड नहीं है, मर्डर है। तो लेकिन क्या होता है, आप एक सोचो, एक क्राइम सीन है, मुंबई पुलिस जिसको महाराष्ट्र सरकार देश की सबसे बढ़िया पुलिस बताती है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो किसी चीज में काबिल होंगे, इसी वजह से नंबर वन पुलिस भी है। लेकिन वो 10 मिनट के अंदर उनकी नंबर वन जो उनका बुद्धि है उसको यूज करके सारी चीजों को, सबूतों को नजरअंदाज करके ये कह देते हैं भाई ये सुसाइड है। पहली धारणा में ये इनका मतलब ये है, इसीलिए तो नंबर वन है कि इनको केस क्लोज करना आता है। जो जल्दी केस क्लोज करेगा, ये एलेक्स है मेरी, तो जो जल्दी केस क्लोज करेगा ऑब्वियस सी बात है कि उसको खिताब मिलेगा कि भैया ये तो नंबर वन पुलिस है, केस बहुत जल्दी क्लोज करती है। तो इन्होंने सुसाइड बोल दिया बिना किसी लॉजिक, बिना किसी आधार पे। अब क्या होता है, आपको मैं कुछ यहाँ पे फैक्ट बताने वाला हूँ कि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के वहां पे बहुत चीजें 14 जून को प्रश्न खड़ी करने वाली हुई है, जिसमें से ये बात कर लेते हैं। काफी आप देख चुके हैं पहले मेरे वीडियो में, जो मैं अहम बताने वाला हूं वो मैं आपको पहले रख देता हूं। एक व्हाइट कार पीछा करती है एम्बुलेंस का, जब सुशांत सिंह राजपूत को लेके निकलती है, क्यों करती है किसी एम्बुलेंस का पीछा? हो सकता है कोई मीडिया चैनल की गाड़ी हो जो कि पीछा कर रही हो कवर करने के लिए, बट किसी भी टीवी चैनल ने उसको कवर नहीं किया पीछा करते हुए। तो एक ये चीज खड़ी होती है कि आखिर वो व्हाइट गाड़ी किसकी थी। दूसरा ये कि एक ब्लैक मर्सिडीज वहां पे दिखाई देती है। अगर आप इसको चेक करोगे परिवहन की वेबसाइट पे तो इसकी कोई डिटेल नहीं मिलेगी कि ये नंबर किसका, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है किसी गाड़ी का। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये किसका नंबर है, फेक नंबर लेके एक गाड़ी क्यों क्राइम सीन जहां पे था वहां पे घूम रही थी। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए कि आखिर क्या सीन रहा, क्यों संदीप सिंह को एंट्री मिलती है क्राइम सीन में, क्यों जो जिस क्या जिक्र हुआ, सैमुअल मिरांडा का किसी ने जिक्र नहीं किया कि वो भी वहां पे उपस्थित था, लेकिन वो वहां पे उपस्थित था क्राइम सीन पे दिख रहा है। सवाल खड़ा होता है जिसका जिक्र नहीं हुआ, एक लड़की वहां पे थी जिसका जिक्र करता है नीरज खुद इंटरव्यू में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ये तो ऊपर कार्ड में मिल जाएगा, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को देखना जिसमें मैंने प्रूफ के साथ बताया कि कैसे नीरज ने खुद ने ही बोला है कि एक लड़की भी थी 14 को घर में जब सुशांत की मृत्यु हुई। तो भाई ये सारी चीजें चलती है, मिस्ट्री गर्ल की एंट्री ग्लव्स पहन के। सवाल खड़ा होता है कि कौन ये लड़की थी जो ग्लव्स पहन के क्राइम सीन पे जा रही है, कौन वो लड़का था, वो आदमी उसके साथ, मुकेश छाबड़ा के साथ, जो एक हाथ में ग्लव्स पहन के घुसता है और मुकेश छाबड़ा भी ग्लव्स पहन के अंदर घुसता है। तो ये सारे सवाल खड़े होते हैं दोस्तों कि आखिर ये सारी चीजें क्या हुई, कौन वो चार लोग सामान लेके वहां से निकल रहे थे, मुंबई पुलिस ने कैसे इन सब चीजों को अलाउ किया, क्यों ऐसा होता है कि सिक्योरिटी गार्ड जो था, आप देखें एम्बुलेंस जाने से पहले जो सिक्योरिटी गार्ड था वो कोई और है, और जब सुशांत की डेड बॉडी को लेके कूपर हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस चली जाती है, दिन के दिन में बदल दिया जाता है। सवाल खड़ा होता है यहां पे, कुछ चीजें ये हो सकती है कि ड्यूटी शिफ्ट चेंज हो गई हो सिक्योरिटी गार्ड की, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड चेंज किया गया। लेकिन ये चीज भी सुनने आई जब साहिल चौधरी मुंबई गए थे और उन्होंने कहा कि भाई तेरा से ना सुशांत के सिक्योरिटी गार्ड है ना दिशा सल्यान का सिक्योरिटी गार्ड है, सब गांव जा चुके हैं उस मृत्यु के बाद। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये क्या साजिश है, क्या चल रहा है, क्योंकि संकेत तो पूरे जा चुके हैं मर्डर की तरफ। तो सीबीआई को भी बोलना पड़ेगा कि ये मर्डर है, और महाराष्ट्र सरकार के बारे में तो क्या बोले, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप एक तो ये अंटार्कटिका का जो बेबी पेंगुइन है ये कहां पे घूमता है, ये कंबोडिया में घूमता है, कंबोडिया जहां पे भैया नशों का कारोबार होता है, जहां पे मतलब आप समझो ट्रैफिकिंग ये सारी चीजें चलती हैं, वहां पे ये बेबी पेंगुइन भटकता हुआ नजर आता है। क्यों भाई अंटार्कटिका से वहां कैसे चले गए, ये समझने वाला विषय है दोस्तों कि ये लोग कैसा रैकेट चला रहे हैं, क्या ये लोग सत्ता की आड़ में ऐसे गलत काम करते हैं। वोरा रिपोर्ट क्या है, शरद पवार का क्यों नाम है उसमें, कि दाऊद इब्राहिम से इनका लिंक है, वो रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सत्ता में बैठे हैं ना, शरद पवार ही तो मास्टरमाइंड निकल रहा है, जिस तरह से अर्णव गोस्वामी ने एक्सपोज किया है स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू कि कैसे इनको तबाह करने की साजिश चल रही है, और ये सारी कैसे है आप समझ सकते हो सारा सूत्र कहां जाता है बहुत अच्छे से। सीबीआई को रोकने का इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है कि भाई सीबीआई नहीं आनी चाहिए टीआरपी स्कैम में, क्योंकि ये फंस चुके हैं अब चारों तरफ से कि टीआरपी स्कैम में जो यूपी सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया तो हम अनुमति नहीं देंगे, कंसेंट नहीं देंगे, लेना पड़ता है सरकार से सीबीआई को, और जब वो नहीं देता है तो ऐसा भैया एक तो ये वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश ने किया है, और अब आप समझ लो महाराष्ट्र ये स्टेट हो जाएगी। गुंडागर्दी कैसे चल रही है,
आप समझो इस चीज को। अब क्या है इसके बाद, आप सोचोगे क्या बहुत से लोग पूछ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस पे भी असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस से इसका कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई सेम टीम हैंडल नहीं करेगी, तो वो कंसेंट ये पहले ही दे चुके हैं सुशांत के केस में, तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। सीबीआई को कोई रोक टोक नहीं होगी। बाकी देखो गिरने पे आए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, बट अभी जहां तक संकेत है कि उस मनाही से इस मनाही से कोई लिंक नहीं है। बट आप समझ सकते हो घिर चुके हैं, इनका झूठ पकड़ा आ चुका है कि सीबीआई आ गई तो ये बुरी तरह इनकी बदनामी होगी और सरकार गिरी जाएगी, प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए। ये घिर चुके हैं हर तरफ से, ये हर तरफ से घिर चुके हैं। इनका झूठ पब्लिक ने पकड़ लिया है, सरकार ने पकड़ लिया, और अब आप कुछ दिन वेट करो, सीबीआई भी सामने ला देगी इस कातिल का नाम जिसको ये बचा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती सुशांत की मृत्यु के बाद किसके घर पे जाती है? डाइनो के घर पे। आप नाम पढ़ो, वो बहुत जने बोल रहे थे फराह अख्तर के घर पे गई थी, नहीं, आप एक बार नाम पढ़ो, नाम क्या, ये किसके घर से निकल रही है, क्या करने गई थी, कश लगाने गई थी, माल हैश वीड ये फूकने गई थी, क्या करने गई थी, वहां पे क्या चल रहा है, कौन इसके लॉयर के इतने रुपए देता है? ये सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। एनसीबी गिरफ्तार करती है, उसके बाद भी इन लोगों को शर्म नहीं है ये बोलते हुए कि भाई ये तो वो है विक्टिम। वाजिबा, बहुत अच्छे विक्टिम, ऐसे विक्टिम होने चाहिए फिर। देखो दोस्तों ये चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि बहुत बड़ा गेम खेला गया है यहाँ पे, बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, और बहुत लो लेवल का मर्डर नहीं है ये, अपर लेवल का हाई क्लास मर्डर किया गया है, बहुत बड़ा कांड है, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होती है। लेकिन यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है, दाऊद गैंग का हाथ है? नहीं, दाऊद इब्राहिम जिंदा है मर चुका है नहीं पता, हाथ है दहशत कौन फैलाता है, जो भारत में इसके गुर्गे बैठे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अब दाऊद इब्राहिम को पकड़ने जाओगे? नहीं पकड़ोगे, ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान कराची में जाके तो आप पकड़ने नहीं हो, दुबई में बैठा है दुबई में जाके तो पकड़ने नहीं हो। तो समझने वाला विषय ये है कि आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो यही चीज होगी कि भैया क्राइम जो भारत में रह के, चाहे से वो दाऊद का साथी हो किसी का भी साथी हो, उसका नाम चाहिए जो उसके लिए काम करता है, और वो कोई बड़ा व्यक्ति है। जैसे कि आपने सुना शरद पवार का वोहरा रिपोर्ट में नाम था क्योंकि उनका करीबी था, तो भैया ये सत्ता में बैठे हुए लोग ही इनके करीबी होते हैं, तो इनको पकड़ना है। आज तक ये पकड़ में आया, वोहरा रिपोर्ट तो दबा दी गई, इसीलिए मैं कह रहा हूं रिलीज करने की मांग करो कि वो रिलीज होनी चाहिए। 93 में ये कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी जो वोहरा थे होम मिनिस्टर तब के, लेकिन क्या हुआ, दबा दिया गया, क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स के उसमें नाम थे कि किस तरीके से वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इंडिया के, वो आतंकवाद अंडरवर्ल्ड माफिया लोगों के साथ किस तरह से तालमेल बिठा के चलते हैं। और पूरी रिपोर्ट थी जो आज तक पब्लिक में आई नहीं है, उसका कुछ अंश ही रिलीज हुआ था, जो भी आप मान के चलो नाम इनका उजागर करता है शरद पवार का, और ये आज महाराष्ट्र की सरकार में बैठे हैं आप देख लो। तो ये जो अभी सरकार में सीएम बन के बैठे ना यहाँ पे, ये तो सिर्फ वो हैं कठपुतली, असली मास्टरमाइंड कौन है आप देख लो, गुंडागर्दी असल में कौन चलाते हैं ये भी आप देख लो। कर्मों का फल है, शरीर पे दिखता भी है, अगर आप पापी होंगे तो आपका शरीर वो दर्शाएगा भी। तो यार मैं तो देखो फिर ये सिंपल सी एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको लड़ते रहना है, ये आवाज दबाने की कोशिश करेंगे, डरना नहीं है, ऐसी सरकार से नहीं डरना, और नहीं डरने की जरूरत है, पुलिस प्रशासन इनसे डरने की जरूरत नहीं है, कोर्ट आपको रोकने के लिए नहीं है, नियम आपको रोकने के लिए नहीं होते हैं। लोगों को लगता है अरे भाई कोर्ट जो है वो आपको रोक, नहीं, कोर्ट आपको आजादी देगा, आप लड़ो इनसे, आवाज उठाओ, आप और मैं गलत नहीं है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है गलत के खिलाफ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं रखते हैं तो आप नीचे जाके डिसलाइक कर सकते हो, या फिर एक अनसब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा सकते हो। बाकी आप मेरे को इंस्टा फेसबुक ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हो, OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।